First Choice Kids Wear रमजान स्पेशल ऑफर अप टू 40% डिस्काउंट के साथ एक लेटेस्ट कलेक्शन में हलीमा सुल्तान, शरारा पम्पलम, गाउन, बॉयज फुल सूट, वेस्टर्न आउटफिट और भी बेहतर सर्विस, प्रीमियम क्वालिटी, सबसे सस्ता और अच्छा। रमजान में आपकी फेवरेट शॉपिंग की चॉइस सिर्फ फर्स्ट चॉइस किड्स है। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कथित न्यूज चैनल सुदर्शन न्यूज के खिलाफ मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहान के ने 15 मई को एक कार्यक्रम में ग्राफिक के जरिए गुंबदे खजरा पर मिसाइल दागते हुए दिखाया था। हालांकि ये तस्वीरें जो है हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इन तस्वीरों से मुस्लिम समाज में जिस तरह से नाराजगी फैली है देखी जा रही है, इसी तरह की तस्वीरें ये सुदर्शन न्यूज चैनल ने दिखाया था और सुदर्शन न्यूज के खिलाफ बड़ी नाराजगी मुस्लिम समाज में देखी जा रही है। लाखों मुस्लिमों के भावनाओं के साथ सुदर्शन न्यूज ने खिलवाड़ किया है, ऐसा मुस्लिम समाज के तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं। मुमरा में भी एनसीपी पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमील खान और विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान, मुफ्ती अशरफ और तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता रात के समय मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर सुदर्शन न्यूज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कट से की थी। और मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कट ने भी कहा था कि हम इस पर गुनाह दाखिल करेंगे, मगर जिस तरह से लगातार सुदर्शन न्यूज के जो संपादक है सुरेश चौहान के, उन पर यह आरोप लगता चला आ रहा है कि वो एक विशेष समुदाय के खिलाफ कंटेंट चलाते हैं। वही रजा एकेडमी ने भी सुदर्शन न्यूज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। साथ ही आपको बता दें कि वारिश पठान ने भी ट्वीट करके सुरेश चौहान के पर एनएसए के तहत मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही नफरत फैलाने वाला अपराधी भी इन्हें ट्वीट करके बताया है। मुमरा शहर में जिस तरह से एनसीपी के तमाम लोग मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंच कर सुदर्शन न्यूज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी और उसके बाद क्या कुछ कहा है सुनिए। आज आप लोग यहां पर मुमरा पुलिस स्टेशन में आए थे, क्या आप लोगों ने निवेदन दिया, क्या मांगनी की है? आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से हमारे माइनॉरिटी सेल के जो थाना जिला के प्रेसिडेंट हैं मुफ्ती अशरफ साहब, हमारे अपोजिशन लीडर हमारे भाई शानू अशरफ पठान साहब, हमारे नगर सेवक के रेहान भाई कीतलवाला, रेहान भाई एंड जफर भाई, असीम भाभी, इमरान सुरमे और तमाम नगर सेवक और पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता लोग और ख़ास करके कुछ यहाँ के उलमाए कराम भी आज आकर के मुमरा पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं मधुकर कट जी, उनसे आकर के एक डेलीगेशन ने हमारी मुलाकात किया। जिस तरीके से ये जो टीवी चैनल के जो ये सुदर्शन चैनल के ये जो एडिटर हैं, अपना जो रिपोर्टर हैं, इन्होंने जिस तरीके से देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश किया, जिस तरीके से उनकी न्यूज़ के अंदर वो दिखा रहे हैं कि मस्जिद नबी के अंदर उन्होंने इस तरीके का रख करके कहा कि आगे इसका भी नंबर है, इसकी निंदा करता है हमारा पूरा शहर, आलम इस्लाम, हमारी हिंदुस्तान के हमारे एक एक फ़र्द इसकी निंदा करते हैं। ये बार बार भड़काऊ भाषण दे करके अपनी चैनल की क्रेडिट को बढ़ाने के लिए इस तरीके का ये बेहरमती करने वाले शख्स के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में आज हम लोग यहाँ पे एक मेमोरेंडम दिया गया है और सीनियर मधुकर कर साहब से ये अपील की गई है कि इनके ऊपर आप दर्ज कीजिए एफआईआर। जो इंसान इस तरीके का भड़काऊ भाषण दे करके देश और दुनिया के माहौल को ख़राब करना चाहता है, ऐसे इंसान को लॉकअप के अंदर होना चाहिए बल्कि बाहर नहीं। अगर इस तरीके से हमारी पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करती है तो उसका हम धन्यवाद उनको कहते हैं, उनको थैंक यू कहते हैं, लेकिन अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत जल्द ही हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से हम लोग मुमरा शहर के अंदर लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए हम लोग यहाँ पे एक आंदोलन भी करेंगे और हो सकता है कि हम लोग इसका पुतला भी जलाएं, ऐसा हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। शानू भाई, जिस तरह से सुरेश चौहान के जो सुदर्शन न्यूज़ के हैं
तो इन पर आप लोग यहाँ पहुँचे थे, आज मेमोरेंडम दिया है, और जिस तरह से ये एक धर्म विशेष के खिलाफ हमेशा आरोप लगता है इनके ऊपर बोलने का, तो आप लोगों ने यहाँ पर FIR दर्ज करने की इनके खिलाफ मांग की है? FIR दर्ज करने की मांग की, और इससे पहले भी कई बार उन्होंने शरारत की है। एक समाज को लेकर खास तौर से टारगेट किया जाता है, इस्लाम को लेकर टारगेट किया जाता है, इसीलिए हम लोग ने मुंबई पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब से मिले, माइनॉरिटी के सभी लोग हमारे सभी नगर से सभी जिम्मेदार थे, और मुझे लगता है कि हम लोग पार्टी में बात करके ऐसे लोगों के ऊपर कोर्ट में भी जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कोर्ट के जरिए ही ऐसे लोगों पर लगाम लग सकती है। पुलिस अपना काम करे और हम रास्ते पर उतरेंगे आंदोलन के जरिए, और आखिरी जो रास्ता है कोर्ट के जरिए भी ऐसे लोगों को कोर्ट से भी फटकार मिलना चाहिए, ताकि कोर्ट उनको बराबर सबक सिखा सके। आज के कोविड जैसे माहौल में जो दुनिया के अंदर लोग नॉन मुस्लिम लोगों को मुसलमान सहारा दे रहा है, जला रहा है, दफना रहा है, उनके क्रियाकर्म कर रहा है, और हमारे नॉन मुस्लिम भाई मुसलमानों का साथ दे रहे, सभी धर्म को छोड़ के कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में एक गंदी हरकतें करना, समाज में डिस्टेंस पैदा करना, ये कानून के खिलाफ है, शहर का वातावरण बिगाड़ने के खिलाफ की साजिश है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुंशी साहब, क्या आप लोग यहाँ पर मेमोरेंडम देने आए, क्या कहा गया आपसे, क्या मामला पुलिस दर्ज करेगी? सर, मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे हम लोगों ने आप लोगों के तमाम लोगों की मौजूदगी के अंदर प्रेजेंट के अंदर हमने यहाँ पर कंप्लेन दी है, और हमें आश्वासन मिला है, बल्कि हमारे सीनियर पुलिस मधुकर कर साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि कल हम FIR रजिस्टर करेंगे। और ये सर, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कोई एक पहली मर्तबा नहीं है, सुरेश चौहान ये हमेशा देश का, हमारे भारत का, इंडिया का माहौल ख़राब करते हैं। जिस वक्त के अंदर कोरोना वायरस के अंदर गंगा नदी का क्या हाल है, दिल्ली का क्या हाल है, यूपी का क्या हाल है, खुद इवन मुंबई हमारे महाराष्ट्र क्या हाल है, उस वक्त सुरेश चौहान हमारे मस्जिद नबवी, जहां का हर जर्रा हमारे लिए कीमती है, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, गुबार मदीन शिफा मिनल जुजाम, के मदीना की मिट्टी के अंदर अल्लाह ताला ने जुजाम की बीमारी शिफा रखी है। तो आप लोग सोचिए कि मस्जिद नबवी हमारे लिए कितनी मुकद्दस होगी। सुरेश चौहान ने ये जो हरकत की है इस तरह करके, इससे हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचे हैं, और इंशाअल्लाह अगर केस नहीं हुआ तो हम इनके ऊपर आंदोलन भी करेंगे।